आई हर कोरियन ड्रामा फैंस के लिए आज की लिस्ट कोई ट्रीट से कम नहीं होगी, क्योंकि भाई आज के वीडियो में हम लाए टॉप 10 वर्ल्ड बेस्ट कोरियन फैंटेसी ड्रामा सीरीज, जो यकीन मानो अब तक की सिर्फ सबसे बेस्ट होंगी, जिसमें बोनस सीरीज भी होंगी जो हमेशा की तरह सबसे बेस्ट और टॉप क्लास की होंगी। तो भाई लिस्ट की एक भी सीरीज को मिस ना करिएगा और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 7 की ड्रामा सीरीज क्या हो जब एक गॉड को एक इंसान से प्यार हो जाए जो आपका भाग्य लिखता हो तो देखने में मजा आएगा ना। 21 की रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी, एक ऐसे गॉड जो लोगों का भाग्य में प्रेम का डेस्टिनी लिखता है। स्टोरी एक ऐसे ही लड़की की है जो मेहनती तो है पर उसके भाग्य में कोई प्यार नहीं, पर उनके तकदीर में प्यार लिखा जाता है। मजे की बात तो ये है कि उनके प्यार से मिलाते मिलाते उन्हें ही कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। पर ट्विस्ट तो ये है कि एक गॉड किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता, अगर किया तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। वो क्या हो सकता है आप इस ड्रामा सीरीज में देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई वो रोमांस वाला एंगल के साथ हमारे सामने रखा है, कमाल की है। वहीं इसके एमएक्स प्लेयर की तरफ से घटिया हिंदी डबिंग यार बहुत डिस्टर्ब करती है, पर कोई ने इसके कॉन्सेप्ट कमाल की और हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल। नंबर 6 की ड्रामा सीरीज एक श्राप से मुक्त होने के लिए 300 साल पुरानी किताब में एक मंत्र लिखा है, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ डिस्टेंड विद यू। स्टोरी भाई हमारे लीड हीरो जो कि श्रापित है उन्हें एक लाल हाथ दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर हमारे लीड एक्ट्रेस को 300 साल पुरानी एक संदूक मिलती है जिसमें एक मिस्टीरियस किताब है जिस पर लिखी है भाई उस श्राप से मुक्त होने का मंत्र। कैसे भाई आप इस ड्रामा सीरीज को देखकर पता करो, सीरीज की कॉन्सेप्ट अच्छी है भाई, इसके रोमांस एंगल कमाल की है और वो लाल हाथों वाली ट्विस्ट भी। पर भाई जो इसके नेगेटिव पॉइंट लगी इसके लंबे लंबे लेंथ अपने पॉइंट पे आने में बहुत टाइम ले लेती है, बाकी आप इसे झेल गए तो आपके लिए बेस्ट होगा और नेटफ्लिक्स के क्लास लेवल हिंदी डबिंग की वजह से आप सीरीज को पूरा देख जाएंगे। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की ड्रामा सीरीज भाई एक मर्मिड और एक इंसान के बीच की एपिक लव स्टोरी हो तो देखना किसे पसंद नहीं, वो भी कोरिया की तरफ से हो तो। जी हां भाई, हम बात कर रहे हैं 2016 की एपिक लव स्टोरी रोमांस ड्रामा के साथ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी। जब एक मर्मिट पानी से धरती पे आती है, वो मासूमियत कुछ भी ना जानने की एटीट्यूड, वो इंसानों का रवैया, ये सब देखने में मजा बहुत आएगा। ऐसी एपिक लव स्टोरी कोरियन ड्रामा सीरीज को देखना चाहते हैं तो भाई मिस ना करिएगा, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल और हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे भी। नंबर 5 की ड्रामा सीरीज भाई गजब का कॉन्सेप्ट यार, आप ही सोचो कितनी दहशत होगी जब आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि आप इस दिन मरने वाले हो, और ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ भाई कोरिया इंप्लीमेंट खतरनाक करता है। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से 21 की हॉरर फैंटेसी के साथ हेलबॉर्न। नर्क का देवता आपके पास आएंगे और मरने का डेट बताकर चले जाएंगे, तब तक आप दहशत में जियो और जब आपका टाइम आएगा तब भाई आप पाताल में ही जाकर क्यों ना छिप जाओ, आपकी रूह को तड़पा तड़पा कर नर्क की दुनिया में ले जाएंगे, है ना खतरनाक भाई। और सच में यार जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा एकदम थ्रिलिंग वे में रिप्रेजेंट करती है, जानते हुए कि आप कुछ ही दिनों में मरने वाले हो, वो भी कोई आसान मौत नहीं, वो दर्द वो दहशत ये ड्रामा सीरीज आपको फील कराएगी। भाई कोरियन ड्रामा में कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स के हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की ड्रामा सीरीज क्या हो जब कॉमिक की दुनिया रियल में एग्जिस्ट करती हो, अगर आप रियल दुनिया से उस कॉमिक की दुनिया में छेड़खानी की है तो कॉमिक की दुनिया में सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो भाई काफी इंटरेस्टिंग है, भाई सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग है। 2016 की रोमांस ड्रामा के साथ W2 वर्ल्ड्स, हमारे लीड एक्ट्रेस के पिताजी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं, तभी एकदम से वो छत पे खुद को पाती है जहाँ एक इंसान अधमरे हालात में पड़ा होता है, पर ट्विस्ट की बात तो ये है भाई कि उसे बाद में पता चलता है वो जो अधमरे हालात में था उनके ही पिताजी के कॉमिक का मेन कैरेक्टर था, जो उनके पिताजी उस कैरेक्टर को खत्म करना चाहते हैं। कैसे हमारे लीड एक्ट्रेस उस कॉमिक की दुनिया में जाकर उस मेन कैरेक्टर को बचाती है, वो भाई आप इस ड्रामा सीरीज में देखो, दो दुनिया की गजब की कैरेक्टर हमारे सामने रखती है, अगर वो कैरेक्टर हमारी इस रियल दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज भाई क्या ऐसी एपिक मास्टर की सीरीज के बारे में बताने की जरूरत है, हर एक बंदे की फेवरेट लिस्ट में ये सीरीज जगह बना रहा। जी हाँ भाई, हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट एपिक रोमांस ड्रामा के साथ इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अगर नहीं देखे हो तो भाई ऐसी सीरीज का रिव्यू तक मत सुनिए, सीधा जाकर एक्सपीरियंस करिए। मेन लीड कैरेक्टर के बीच की ऐसी बॉन्डिंग शायद ही आपने कोई और ड्रामा सीरीज में देखी होगी,
ऊपर से नेटफ्लिक्स की तरफ से टॉप क्लास हिंदी डबिंग, यार डेफिनेटली जाकर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की कोरियन ड्रामा सीरीज, इनकी फैंटेसी दुनिया कमाल की है। मजा तो और भी आता है जब वो टाइम ट्रेवल, पास्ट एंड फ्यूचर वाली कॉन्सेप्ट, वो स्वैग के साथ लव वाला कोरिया की अंदाज में रोमांस हो। जी हाँ भाई, हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से डोनेटी की रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ, द किंग इटर्नल मोनार्क। स्टोरी सेट है 1994 में, जहां एक राजा कई पीढ़ियों से एक ऐसी मैजिकल फ्लूट का रक्षा कर रहा है जिसमें कई सारी मैजिकल पावर छिपी है, जहां इसकी मदद से हमारे विलन को अमर होना है। आखिर एक मकसद लिए कि बचपन में उन्हें बचाया कौन था, जहां घोड़े पे सवार होकर पैरेलल दुनिया से होते हुए सीधा पहुंच जाता है 2020 में। वहां एक ब्यूटीफुल डिटेक्टिव से मिलता है, उसके बाद की रोमांस और इसके फ्लूट वाला मिस्ट्री, वो आप इस ड्रामा सीरीज में देखो। और सच में भाई, वो घोड़े पे सवार 1994 से सीधा 2020 में जब वो एंट्री होती है भाई, एकदम गूजबम देती है। और इन सब के बीच वो स्वीट सा लव स्टोरी सीधा कनेक्ट करेगी आपसे। नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की ड्रामा सीरीज क्या हो भाई, जब आपकी आत्मा सीधा जोसन एरा की एक डायनेस्टी में एक राजकुमारी में चले जाए, आप मर्द से सीधा एक औरत, वो भी एक राजकुमारी में, एकदम से भाई आपकी बॉडी बदल जाएगी पर फीलिंग वही रहेगी। 2020 की रोमांस फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा के साथ मिस्टर क्वीन, स्टोरी मॉडर्न एज में तो भाई आप एक सेफ हो, पर एकदम से आपकी आत्मा जोसन डेस्टिनी की एक राजकुमारी में चले जाए तो भाई आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो भाई इसके सिचुएशनल कॉमेडी आपको कहीं पे भी फील नहीं होने देती। ऊपर से लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग यार एकदम टॉप नॉच लेवल की, वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न डेज से सीधा वो जोसन डायनेस्टी में एंट्री, और ये सब भाई एकदम कॉमेडी एंड एंटरटेनिंग वे में हमारे सामने रखा है। क्या उस राजकुमारी जिसके अंदर एक मर्द का आत्मा है, उसे वहाँ की राजा से शादी करनी होगी, क्या प्यार हो सकता है, ये सब भाई आप इस ड्रामा सीरीज में देखो, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की ड्रामा सीरीज, यार ये मेरी पहली कोरियन ड्रामा सीरीज थी जो सीधा भाई दिलो दिमाग में जाकर घुस गई थी। इसके नशा हमारे दिमाग पे इस लेवल पे चढ़ा था कि भाई इसके अलावा कई दिनों तक कोई और ड्रामा सीरीज देखने का मन ही नहीं कर रहा। हमें भरोसा है यार आप भी इस ड्रामा सीरीज को पहली बार देखे होंगे, तो यही फीलिंग आप में भी होगा। और क्यों ना हो भाई, जब इतनी कमाल की फैंटेसी लव स्टोरी हो, तो एक इंसान और एक एलियन के बीच की वो खट्टी मीठी लव स्टोरी, वो भी भाई सुपर पावर के साथ, 2013 की रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ, माई लव फ्रॉम द स्टार। भाई ऐसी मास्टरपीस ड्रामा सीरीज को मिस नहीं करते, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल और हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे भी। नंबर 1 की ड्रामा सीरीज भाई, सदियों से सच्चे प्यार को ढूंढने की जर्नी। अगर आप लव स्टोरी में फैंटेसी ड्रामा के डाई हार्ड फैन है ना, तो भाई यकीन मानो ऐसी ड्रामा सीरीज देखते वक्त ना भाई एक अलग ही लेवल की सुकून मिलती है। ये नंबर 1 की ड्रामा सीरीज आपकी एक्साइटमेंट लेवल को पूरी तरह से फुलफिल। 2016 की एपिक रोमांस ड्रामा के साथ गार्डियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड, स्टोरी भाई कैसे इमोर्टल गॉब्लिन की है जो कई सदियों से अपने सीने में आर पार एक तलवार लिए धरती पे भटक रहा है अपनी दुल्हन की तलाश में, ताकि वो उस तलवार को निकाल कर उस श्राप से मुक्त हो सके। क्या हमारे हीरो को उनकी दुल्हन मिलती है या नहीं, अगर मिलती भी है तो क्या उस तलवार को निकाल कर उसे मुक्त कर पाएगी या नहीं। इनकी इमोशंस, इनकी स्टोरी टेलिंग आपको कहीं पे जाने नहीं देगी, हर एक कैरेक्टर से लगाव सा हो जाए, और एंड तक आते आते सीरीज आपको इमोशनल कर जाएगी। जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, जहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।